हमारे संवाददाता एसपी के पास पहुंचे और जाना कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह की वहां पर पुलिस निगरानी रखेगी। और क्योंकि दीपावली का त्योहार है, ऐसे में कई जगह आतिशबाजी की जाती है जिसकी वजह से कई लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। एसपी ने बताया कि वहां पर जगह जगह चौकियां बनाई गई है जहां पर इंचार्ज और पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इसके अलावा कई जगह ऐसी है जहां पर पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में पहुंचेंगे ताकि वो संदिग्धों पर नजर रख सके। त्योहारों के मौके पर अक्सर भीड़ भाड़ का आलम देखा जाता है और भीड़ भाड़ के दौरान कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। और दूसरी तरफ अगर बात करें, चोर गिरोह भी ज़्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं, बाजारों में जो है जाम लगता है। ऐसे में भिवानी पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी है? भिवानी के पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, दिवाली का त्यौहार और दिवाली के त्यौहार पर जिस तरह से भीड़ भाड़ का आलम देखा जाता है, किस तरह की व्यवस्था है? हाँ, देखिए, दिवाली के त्यौहार पे, धनतेरस के त्यौहार पे बाज़ारों में भीड़ भाड़ काफ़ी देखी जा रही है। इसके लिए हमने एक हफ्ता पहले से ही जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था का इंतजाम करने स्टार्ट कर दिए थे। पुलिस ने अभी तक दो जगहों पर ये पटाखों की जो भारी मात्रा में पकड़े हैं उनके खिलाफ़ मुकदमे दर्ज किए हैं और हमारी पूरी तरह से नज़र बनी रहेगी कि जो ये आदेश दिए गए हैं उनकी उल्लंघन ना हो। जाहिर तौर पर सर, आदेशों की उल्लंघन ना हो, लोगों से क्या अपील भिवानी पुलिस कप्तान की रहेगी? त्यौहार के डिस्टेंसिंग और दूसरी तमाम कायदियाँ उनको भी जो है अपनाया जाए, किस तरह की अपील? देखिए, त्यौहार एक उल्लास का समय होता है, उसमें लोग बाहर भी निकलते हैं, अपनी खुशियाँ भी मनाते हैं, परंतु खुशियाँ मनाते हुए जो गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश है उनका पालना, क्योंकि जिम्मेदार और प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल होने के नाते हम भी तमाम दर्शकों से यही अपील करते हैं कि त्यौहार को उल्लास के साथ मनाएं, भीड़ भाड़ एकत्रित ना होने दें, साथ ही साथ जो कोविड की गाइडलाइंस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको भी अख्तियार करें, उसको भी व्यवहार में लाएं। इसके अलावा अगर भिवानी पुलिस के प्रबंधों की बात करें, जिस तरह से नाकेबंदी की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान तैनात किए गए हैं, जगह जगहों पर जो है मचान बनाए गए और मचान पर जो है पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा कहीं इनकी दूरबीन के जरिए ऐसी गतिविधियों पर जो है संदिग्ध गतिविधियों पर भी पूरी तरह से पैनी नजर रखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। खबरें जा रही